आप देख रहे हैं कुबेर भूमि, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गरियाबंद कलेक्टर नम्रता गांधी आज शुक्रवार को अचानक मैनपुर ब्लॉक में स्थित पहाड़ों के बीच घने जंगलों पर बसे राजीव गांधी गोद ग्राम पहुंची। कलेक्टर के साथ गरियाबंद पुलिस अधीक्षक जीआर ठाकुर, गरियाबंद जिला पंचायत सीईओ रोकतिमा यादव भी कुल्हाड़ी घाट के दौर पर पहुंची। कलेक्टर नम्रता गांधी ने कुल्हाड़ी घाट पहुंचकर सबसे पहले राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा घरवा गुरवा पौड़ी सहित गौठान में महिला समूह के द्वारा बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट का निरीक्षण किया। कलेक्टर गांधी ने गोठान में ही चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। वहीं कुल्हाड़ी घाट में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति ने बीते दिनों आए आंधी से हुए क्षति पर मुआवजा दिलाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने मैनपुर एसडीएम सूरज साहू को तत्काल प्रकरण बनाकर भेजने का निर्देशित किया। सरपंच धन मोतिन सारी ने कलेक्टर को बताया कि कुल्हाड़ी घाट के कई आश्रित ग्राम पहाड़ों के ऊपर बसे हैं, जहां आज भी बुनियादी सुविधा का अभाव है, जिस पर कलेक्टर ने बहुत जल्द मूलभूत सुविधा दिलाने की बात कहते हुए हालर मिल प्रदान करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर नम्रता गांधी ने अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी का निरीक्षण करते हुए कन्या आश्रम पहुंचे, जहां कलेक्टर आश्रम की जर्जर स्थिति को देखते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त बी के सुखदेवे को तत्काल आश्रम मरम्मत कराने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर से पशु चिकित्सालय में पदस्थ परिचायक नदारद रहने की शिकायत करते हुए बताया कि पालतू जानवरों में तरह तरह की बीमारियां फैलने की वजह से जानवरों के मरने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि पशु परिचायक को बार बार बुलाने के बावजूद नहीं आने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।